बी ए बी एस सी बी कॉम पार्ट वन का चार वर्षीय कोर्स यहाँ पे तैयार कर लिया गया है साथ ही साथ बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है उसका डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है इस दिन से शुरू हो जाएगा नए सिलेबस के अनुसार यानी कि दो से दो के सेमेस्टर के अनुसार जो है वो आपकी यहाँ पर एडमिशन जो है वो होने जा रहा है तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चार सालों का सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है और सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट है सभी के का एडमिशन का डेट जानेंगे तो पूरी ध्यान से देखिएगा चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर अपडेट यूनिवर्सिटी का सबसे पहले आपको मिलती रहे तो ये जानते हैं क्या है सिलेबस चार सालों में आपको क्या क्या पढ़ना होगा एक्स्ट्रा क्या इसमें ऐड किया गया है चाहे आप आर्ट्स के हैं साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं और एडमिशन का डेट क्या है किस दिन से आप एडमिशन ले सकते हैं साथ ही साथ किसी किसी यूनिवर्सिटी में शुरू भी कर दिया गया एडमिशन तो वहां भी जानेंगे कहां एडमिशन आपका शुरू है और कहां आपका डेट जारी किया गया सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को शेयर कर दीजिए बिल्कुल यहां पे संक्षेप में समझाऊंगा कि चार सालों का कोर्स है जिसे आप मैक्सिमम सात सालों में पूरा कर सकते हैं अगर आप सात सालों में पूरा नहीं कर जा पाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा साथ ही साथ आप बीच में पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं यानी सात वर्ष में पढ़ाई करना है तो आप बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं हर दो सेमेस्टर की पढ़ाई व तो परीक्षा देकर बीच में एग्जिट व एंट्री पा सकते हैं यानी आठ सेमेस्टर में आपकी पढ़ाई है तो आप चाहे तो दो सेमेस्टर छः सेमेस्टर करके बीच बीच में छोड़ सकते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे सात सालों में आपको ग्रेजुएशन जो है पूरा करना होगा वहीं आपको बता सिलेबस में क्या अधिक जोर दिया गया है तो पहले चार में, आप आर या हैं, सभी के लिए आपको ऑप्शन सब्जेक्ट जो है ऐड किया गया है, यानी कि ऑप्शनल होगा ये आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं ठीक है जिसमें कृषि हो गया साहित्य हो गया गणित हो गया स्वास्थ्य दर्शन के कुछ कोर्स को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है चार वर्षीय ग्रेजुएशन के तहत एडमिशन होंगे और सभी को एक्स्ट्रा ऐच्छिक कोर्स के रूप में शामिल किया जाएगा ये जो विषय बताया गया है ये ऐच्छी कोर्स के रूप में होगा जिसमें आप अपनी मरमर्जी के अनुसार चूज कर सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सभी विषयों को जोड़ा गया है और फाउंडेशन व ऐच्छी कोर्स के रूप में किया जाएगा विभाजित यानी आप ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं हालांकि यह पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है लेकिन इसमें 30 अप्रैल तक और भी सुझाव मांगे गए हैं तो इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है तो ये तो हो गया आपका सिलेबस सारा कुछ आपका सेम रहेगा सिर्फ आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो जुड़ जाएगा बाकी जो पैटर्न पुराना था वही पैटर्न रहेगा बस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पे जोड़ा जाएगा और वही आपका रिसर्च का काम यहां पे कराया जाएगा जो कि आपका चार सालों का कोर्स होगा अब जान लीजिए एडमिशन का डेट क्या है क्या है एडमिशन का डेट और कहां कहां एडमिशन चल रहा है और कहां एडमिशन होना बाकी है सब यूनिवर्सिटी का डेट जानेंगे इस वीडियो में तो ध्यान से देखेंगे दस यूनिवर्सिटी का डेट यहां पे जारी कर दिया गया है चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर का हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा मगध यूनिवर्सिटी गया मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और बीर कुर्स यूनिवर्सिटी आरा सभी का इसी वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना स्किप करोगे तो हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी आपको ना दिख पाए ठीक है सभी यूनिवर्सिटी का मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं बराबू यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का तो मुजफ्फरपुर की बात कर ली जाए लीजिए आपका ऑनलाइन एडमिशन कब से कब तक चल रहा है तो यहाँ जो है वो आपका दो मई से शुरू कर दिया गया है दो मई से आपका एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पे सत्रह जुलाई से आप लोग क्लास भी शुरू हो जाएगी जो भी बी ए बी एस सी बी कॉम पार्ट वन में एडमिशन लेंगे तो दो मई से आप लोग को तैयार हो जाना है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी वाले ठीक है अब बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ध्यान से सभी अपना अपना देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी का तो पटना यूनिवर्सिटी में भी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एडमिशन की प्रक्रिया बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन में शुरू हो चुका है जिसके लिए ऑनलाइन चार्ज जो है वो ग्यारह सौ रुपए रखा गया है तो ये आपका पटना यूनिवर्सिटी का है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है ऑनलाइन करने के लिए अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो उसमें ऑनलाइन कर सकते हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए पच्चीस अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं एक लाख बीस हजार सीट जो है वो सबसे ज्यादा सीट जो है पाटलीपुत्र तो तो अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी का फटाफट तरीके से यहाँ पे देखेंगे बाकी अपडेट के लिए सीधे आपको मैं बिहार हेल्प पे लेकर चलता हूँ बिहार हेल्प डॉट इन पे आपको आ जाना है और यहाँ पे जो थ्री डॉट है थ्री डॉट पे एक बार क्लिक कर लेना है यूनिवर्सिटी पे जाएंगे और यूनिवर्सिटी पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे आपका लिंक है वो यहां पे दिया गया है तो जो भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यहां पे डायरेक्ट लिंक दिया गया है इस लिंक भी कर, यहां पे आकर आप यहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है ठीक है रेगुलर कोर्स ऑनलाइन अप्लाई लिंक यहाँ है वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है लिंक मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब बात कर लेते हैं बाकी अन्य University का कि कहाँ किस डेट में आपका एडमिशन होगा किस यूनिवर्सिटी का तो ऑल यूनिवर्सिटी का मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अब बात कर लेते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का कि तिलका मांझी भागलपुर एडमिट यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया कब से है देखिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन का वो 30 अप्रैल से शुरू किया जाएगा पहले ये 5 अप्रैल से शुरू होना था लेकिन डेट चेंज कर दिया गया है अब 30 अप्रैल से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन जो है वो करा पाएंगे अन्य यूनिवर्सिटी की बात करते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जैसा कि मैं बताया कि अभी 25 अप्रैल इसका डेट है 25 अप्रैल से ऑनलाइन एडमिशन जो है वो यहां पे शुरू हो जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा ने अभी डेट जारी नहीं किया है सिर्फ ये अप्रैल लिखा है यानी अप्रैल मंथ में ही आपका एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा बी एन एम यू मधेपुरा यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो मधेपुरा जो है अप्रैल के लास्ट सप्ताह में यानी यह भी आपका मान के चल सकते हैं 25 से 30 अप्रैल तक जो है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगा वहीं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की बात करें तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया गया है जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है मगध यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया कब होगी तो इसका भी डेट जारी नहीं किया गया है और आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है इसके लिए वीडियो का इंतजार कीजिएगा एडमिशन से पहले ठीक है उसके बाद देखेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर मुंगेर की बात कर ली जाए तो मुंगेर जो है वो तीस अप्रैल के आसपास से वो आपका एडमिशन जो है वो शुरू कर देगा 30 अप्रैल का आपको वेट करना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है वो आपका 27 से लेकर 30 अप्रैल तक एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगा और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जैसा कि मैंने अभी बताया कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में तीस अप्रैल से एडमिशन शुरू होगा बीर कुंवर्स यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो बीर कुंवर्स यूनिवर्सिटी ने अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया है ठीक है लेकिन यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि उनतीस अप्रैल से आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पर एक बार नज़र डाल लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर लगेंगे ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले आपकी ई मेल होनी चाहिए मोबाइल नंबर स्कैन फोटो होना चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट ठीक है आधार कार्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ठीक है ऑनलाइन एडमिशन के टाइम आपको इतना ही लगेगा बाकी जो है आपका जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो उसमें आपका बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा ऑनलाइन में सिर्फ आपको डिटेल सबमिट करना रहता है कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर उस तरह से नहीं मांगे जाते जैसे कि आप कॉलेज जाएंगे तो वहां पे लगेंगे मेन डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लगेंगे ठीक है अब यहाँ पे बात कर लेते फी कितना लग रहा है की बात कर ली जाए तो सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग फी यहाँ पे एडमिशन का रखा गया है और ये जो चार्ज है वो आपका ऑनलाइन करने का चार्ज है एडमिशन का चार्ज भी मैं बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन करने का चार्ज अभी अगर पटना यूनिवर्सिटी में करते हैं तो ऑनलाइन करने का चार्ज जो है वो ग्यारह सौ रखा गया है हालांकि साइबर कैफे से करते हैं तो आपको बारह सौ लगेंगे खुद से करते हैं तो आपको ग्यारह सौ लगेगा ठीक है अब वही यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए ऑन एवरेज तो इसका जो है क्रिटेरिया जो है, अलग अलग है किसी यूनिवर्सिटी में है किसी में सौ है तो किसी में आपका छह है ठीक है बात कर ले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में करीब करीब पांच सौ रुपया का खर्च आएगा मैक्सिमम एवरेज की बात कर ली जाए तो सिर्फ ऑनलाइन करने में आपको करीब करीब पांच सौ रुपया का खर्च जो है वो यहां पे बैठेगा इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा ठीक है मेरिट लिस्ट में जो है वो आपका घटते हुए क्रम में मेरिट लिस्ट डाला जाता है और कटअप निकाला जाता है उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकेंड में या थर्ड में तो आपका ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपका ऑफलाइन एडमिशन होगा आपके कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन कराना होगा जिस कॉलेज में आपका नाम आता है वहां पे आपकी फी की बात कर ली जाए कितना पैसा लगेगा तो वहां पे मान के चले तो आप 2800 से तीन हजार तक आपको लग सकता है सभी कॉलेज का अपना अलग अलग फ़ी होता है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में कुछ टॉप कॉलेज होते हैं कुछ आ, लो रैंकिंग के भी कॉलेज होते हैं तो उस अनुसार से जो है वो आपका पैसा वहाँ पर लगेगा ठीक है तो ऑल डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई है आप बिहार के ठीक है किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप बिहार बोर्ड के हैं सीबीएसई बोर्ड के हैं या बोर्ड के हैं आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं सभी के लिए सेम क्रिटेरिया यहां पे रखा गया है हालांकि कटअप जब निकलेगा तो अलग अलग कटअप यहां पे जारी किया जाएगा ठीक है गाइस तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको कुछ पूछना है कुछ इन्फॉमेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है पूरी कोशिश की जाएगी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाए नहीं तो अगले वीडियो में उस कमेंट को देखा जाएगा और उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आएंगे ठीक है मिलते हैं नई वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है खास करके ग्रेजुएशन वालों के लिए तो फटाफट जाएँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें